सोलन में पुलिस लगातार नशे पर शिकंजा कसती जा रही है। आए दिन नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। इस विशेष मुहिम के लिए पुलिस ने अपने गुप्तचर जगह जगह सक्रिय कर दिए हैं, जिसके चलते पुलिस नशा तस्करों तक पहुंच रही है। यहां तक कि स्थानीय लोग भी जागरूक हो चले हैं और जैसे ही उन्हें किसी गलत बात का अंदेशा होता है, वे तुरंत पुलिस से साझा करने में हिचकिचाते नहीं है, जिससे ये बात साबित होती है कि पुलिस और जनता के बीच अब विश्वास का सेतु बन चुका है। यही वजह है कि आज जागरूक लोगों की वजह से ही अफीम की तस्करी करने वाले दो नेपाली युवा पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिन्हें नगाली के जंगलों से गिरफ्तार किया है। अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की है और दो नेपाली युवकों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए युवाओं से करीबन 1 किलो 437 ग्राम अफीम बरामद की है। पकड़े गए युवाओं का नाम राजू और अर्जुन है, जिसमें अभी जांच जारी है। सोलन के युवा चिट्टे के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं। बहुत थोड़े से समय में चिट्टा अपनी जड़ें सोलन शहर में मानो पताल तक बिछा चुका है। यही कारण है कि नशे के सौदागरों को पुलिस प्रतिदिन सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर अंकुश लगा पाना अभी पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पुलिस के आला अधिकारी भी इसको लेकर बेहद चिंतित है, इसलिए वे नशे के तस्करों को दबोचने के साथ साथ नशे की दलदल में अपने को झोंक चुके नशेड़ी युवाओं को भी बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने दो चिट्टा बेचने वाले दो युवाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जिसके पास से भारी मात्रा में चिट्टा बरामद हुआ है। अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि सोलन पुलिस ने चिड़गांव निवासी प्रदीप से खुंडीधार के समीप 15.3 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। वहीं एक दूसरे मामले में पुलिस की टीम ने दोहरी दीवार पर गश्त के दौरान 39.42 ग्राम चिट्टा भी पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने कुल्लू निवासी अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। साईं विजन पब्लिक स्कूल बरेड़ी में लड़कियों की बास्केटबॉल टीम जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिरमी टिक्की में पूरे जिला में लगातार चौथी बार प्रथम स्थान हासिल कर पधारी है। साथ ही टौणी देवी में लड़कों के पूरे जिले में बास्केटबॉल में द्वितीय स्थान हासिल किया है। स्कूल परिसर में पहुँचने पर दोनों ही टीमों का स्वागत हुआ है। और चेयरमैन बीरेंद्र चौधरी प्रधानाचार्य सुनीता देवी स्टाफ ने मनोज कुमार एवं संजीव कुमार ने बधाई दी और बच्चों के बेहतर प्रदर्शन पर एवं कड़ी मेहनत के परिणाम को लगातार चौथे वर्ष बताया। पूरे जिला में साईं विजन स्कूल एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसमें सरकारी स्कूल के साथ खेलते कोई ट्रॉफी लगातार चौथी बार जीती है। लड़कियों में अंशिका शर्मा, बसर ठाकुर, निकिता शर्मा, आंचल शर्मा व लड़कों में प्रांजल शर्मा, अर्पित शर्मा का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। केंद्र सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर विकास और अन्य एजेंडों पर कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर जिला भाजपा मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने सिरे से नकारा है। अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग फिजूल में बयानबाजी में लगे हुए हैं और बीजेपी के कार्यकाल में पूरे देश में विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार का पूरा विश्व प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस अपनी कुंठा का प्रदर्शन करने के लिए अंतसंत बयानबाजी में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस द्वारा जिला में हाल ही में चिट्टा मामले में पकड़े गए बीजेपी नेता के पुत्र के पकड़े जाने पर भाजपा को घेरने के मुद्दे पर अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि बीजेपी पार्टी की अपने लोगों को बचाने की कोई नीति रीति नहीं रही है और कांग्रेस के लोग इस मुद्दे को बिना वजह से खींचने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बुनियादहीन बातों पर लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। हमीरपुर नगर के बड़ू स्थित बहुतकनीकी कॉलेज में रैगिंग का एक मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने एंटी रैगिंग एक्ट के तहत
FIR दर्ज कर ली है। कॉलेज में इस तरह रैगिंग का मामला सामने आने पर कॉलेज के दूसरे छात्र भी सहमे हुए हैं। तृतीय सेमेस्टर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र द्वारा नशे में टल्ली होकर प्रथम वर्ष के छात्र की पिटाई के साथ पैसे भी मांगे जाते रहे हैं। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज बोरू में पिछले कई दिनों से रैगिंग हो रही है, लेकिन कॉलेज प्रशासन के मूक दर्शक बने हुए होने से मायूस छात्रों को सीनियर की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। हालांकि रैगिंग के मामले में निजी पीजी में रह रहे प्रथम सेमेस्टर के छात्र ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तृतीय वर्ष के छात्र पर रैगिंग करने की बात कही है। सीनियर छात्रों के द्वारा नशे में धुत होकर पिटाई करने के साथ पैसे मांगे जाते रहे हैं और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चला हुआ था। फिलहाल अभी तक एक ही छात्र की शिकायत पर कार्रवाई हुई है, लेकिन पुलिस के द्वारा पड़ताल की जा रही है कि बाकी छात्रों के साथ भी ऐसा हो रहा था कि नहीं। वहीं इस मामले पर एसपी हमीरपुर अरिजीत सिंह का कहना है कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज में तृतीय सेमेस्टर के छात्र द्वारा प्रथम सेमेस्टर के छात्र की रैगिंग मामले में एंटी रैगिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार प्रिंसिपल बहुतकनीकी कॉलेज से पुलिस स्टेशन सदर में एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि रैगिंग अनुशासन समिति के सामने कॉलेज के परिसर के बाहर हुई एक रैगिंग की घटना का मामला सामने आया है। ये घटना एक निजी पेइंग गेस्ट रूम में हुई है। आरोपी सुंदरनगर क्षेत्र का है तथा इसी पेइंग गेस्ट रूम में रहता है। इस घटना में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर के साथ एक छात्र ने पहले सेमेस्टर के छात्रों की रैगिंग ली है। आरोपी इस गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए बाहर से भी अपने साथियों को बुला लेता था। पीड़ित छात्रों ने सबसे पहले इसकी सूचना अपने अभिभावकों को दी। अभिभावकों की शिकायत पर कॉलेज एंटी रैगिंग समिति ने कड़ा एक्शन लिया। समिति की सिफारिश के बाद आरोपी छात्र के खिलाफ पुलिस थाना में कार्रवाई करने का आवेदन प्राप्त हुआ। इस बारे में डीएसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में जांच जारी है।